हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में दो इसकी टर्म्स है, एक होती है आपकी वन वन एंड एक आती है आपकी ऑन टू, और ये दोनों पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसके लिए कुछ इसके ग्राफ बनाया है, मैंने इससे चेक करते हैं कि आपका वन वन कौन सा होगा और ऑन टू कौन सा होगा, राइट। तो वन वन नाम से पता चल रहा है जिसका एक ही आपकी एक्स की वैल्यू से और उसके लिए सेम आपकी वाई की वैल्यू से है। इसका मतलब है किसी भी इमेज की सिंगल प्री इमेज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में चेक करूं तो वन लिंक, इसमें भी वन लिंक हो रहा है, इसमें भी वन लिंक हो रहा है, इसमें भी वन लिंक हो रहा है, यानी कि सब जो है वो एक एक पार्ट से लिंक कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे। तो ये होती है आपकी इमेज, ये होती है आपकी प्री इमेज। तो हर एक इमेज के लिए सिर्फ एक सिंगल प्री इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो वन वन होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर भी हर एक इमेज के लिए एक सिंगल प्री इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या होगा, आपका वन वन फंक्शन होगा। तो यानी कि इसके अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है वो क्या होंगे, आपके वन वन होंगे। अब आते हैं हम अपने ऑन टू फंक्शन के अंदर। जब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के केस के अंदर आपकी इमेज के लिए एक से ज्यादा प्री इमेज जो है वो हो सकती है, बट आपकी इमेज के अंदर कोई भी टर्म्स जो है वो लेफ्ट नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब है कोई भी टर्म्स जो है वो विदाउट लिंक के नहीं होनी चाहिए। जैसे इस केस के अंदर ए, ई और एफ तीनों टर्म्स क्या है, विदाउट लिंक के है। तो अगर विदाउट लिंक है इसका मतलब है कि ये वाला आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इस वाले केस के अंदर ए बी सी तीनों लिंक के अंदर है, किसके साथ में, प्री इमेज के साथ में। ए जो है वो डबल लिंक के अंदर है, किसके साथ में, वन एंड टू के साथ में। इसका मतलब है एक जो आपकी टर्म्स ए है उसकी एक से ज्यादा प्री इमेज बन रही है, तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, बट ये वन वन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा क्या बन रही है, प्री इमेज बन रही है। क्लियर है। इस केस के अंदर ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वन वन लिंक हो रहा है, यानी कि ठीक है ये वन वन होगा। ऑन टू के केस के अंदर हर एक फंक्शन के लिए आपकी क्या हो रही है, एक प्री इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू भी होगा, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है वो वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। तो वन वन के केस के अंदर हर एक इमेज की एक सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए, ऑन टू के केस के अंदर वो प्री इमेज जो है वो एक से ज्यादा हो सकती है, बट आपके इमेज के कोई भी टर्म्स जो है वो विदाउट लिंक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वाले केस के अंदर आपका वन वन होगा बट ऑन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ई और एफ की कोई भी वैल्यूज लिंक नहीं है इधर से, राइट। तो ये चारों केस आपके थे वन वन ऑन टू के। अब करते हैं इसके क्वेश्चन पे, और पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो वन वन ऑन टू फंक्शन से जरूर आता है। वन वन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, और वो केस जिसके अंदर वन वन एंड ऑन टू दोनों आ जाए एक साथ में, जैसे कि ये वाला केस है, इस केस को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। हमें फंक्शन गिवन है इसके अंदर x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री, हमें बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपको इसके अंदर वन वन एंड ऑन टू चेक करना है। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि आप इनवर्स निकालो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वन वन एंड ऑन टू शो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोला है बाइजेक्टिव निकालो तो भी वन वन ऑन टू करना पड़ेगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ले वन वन ऑन टू करो तब तो करना ही है ये, राइट। तो इनवर्स आ जाए या फिर बाइजेक्टिव लिखा आ जाए तो आपको उसमें क्या शो करना है, वन वन है ऑन टू करना है। तो करें स्टार्ट, सबसे पहला केस लेते हैं इसका वन वन। वन वन के केस में करना क्या है, आपको इधर रखना है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, पहले वाले फंक्शन को एक्स वन रखना है, दूसरे वाले को एक्स टू रखना है। तो जब आप इसकी वैल्यूज को यहां पे रखोगे तो एक्स की जगह पे आपको एक्स वन रखना है और जो एस टू की जगह, जो एक्स की जगह वहां पे सेकंड वाले केस में एस टू रखना है। तो जब एस टू रखोगे तो क्या आएगा, ये टर्म्स आ गई, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसे, एक्स वन एक्स टू
इधर सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो गया। इन टर्म्स को सॉल्व किया इधर जाके, माइनस थ्री एक्स वन को इधर लेके गया, प्लस थ्री एक्स वन हो गया, यानी कि ये आ गया आपका एक्स वन। इसको इधर लाके सॉल्व किया तो ये आ गया आपका एक्स टू। अगर वो केस जिसमें सॉल्व करने के बाद में एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाता है, तो यानी कि वो केस क्या हो जाएगा आपका, वन वन आएगा। तो आप एक्स एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखोगे, और अगर सॉल्व करने के बाद में आपका एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, यानी कि केस क्या हो जाएगा आपका, वन वन हो जाएगा। क्लियर है ये? सेकेंड केस आता है आपका ऑन टू का, तो ऑन टू को स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ऑन टू को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, जहां भी आपका एफ एक्स होगा आपको एफ एक्स को इक्वल टू वाई रखना है। तो यहाँ पे टर्म्स आ गए वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। सॉल्व करने पे वैल्यूज आ गई एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स को इस साइड ले आए, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू में थ्री वाई माइनस टू। एक्स को कॉमन लिया, ये आ गया वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। एंड एक्स की वैल्यूज क्या आ गई आपकी, थ्री वाई माइनस टू अपॉन में वाई माइनस वन। मेरी एक्स की वैल्यूज निकल के आ गई। एक्स की वैल्यूज को निकालने के बाद में इस एक्स की वैल्यूज को आपको पुट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर, जहां भी आपका एक्स है। तो जब आप इसको पुट करोगे इसके अंदर, तो वैल्यूज क्या रहेगी आपकी, एफ एक्स आपका वाई था, वाई इज इक्वल टू में जब आपने एक्स की जगह पे रखा वैल्यूज को, तो टर्म्स आएगी थ्री वाई माइनस टू अपॉन में वाई माइनस वन। ये आ गया आपका एक्स की जगह पे, साथ में क्या आ गया माइनस टू, पूरे के अपॉन में क्या है, इस एक्स की जगह जो वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएगा, थ्री वाई माइनस टू अपॉन में वाई माइनस वन, साथ में क्या आपका माइनस थ्री। अब इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, थ्री वाई माइनस टू माइनस टू वाई प्लस वन अपॉन में वाई माइनस वन। नीचे करेंगे तो क्या आएगा, थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस वन अपॉन में वाई माइनस वन। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरी वैल्यू ये आ गई, y माइनस वन से वन माइनस वन को कैंसिल कर दिया, इधर माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो गया, इधर आपका थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल हो गया, थ्री वाई माइनस टू वाई क्या आ गया, थ्री वाई माइनस टू वाई आ गया आपका y, माइनस टू प्लस थ्री हो गया आपका वन, यानी कि सॉल्व करके क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू वाई। अगर सॉल्व करने के बाद में आपकी टर्म्स वाई आ जाती है, इसका मतलब वो फंक्शन किसका होगा आपका, ऑन टू का फंक्शन होगा, और ऑन टू का फंक्शन प्रूव होती है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि ये शो हो गया कि ये क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव, क्योंकि वन वन तो मैंने प्रूफ कर ही दिया था। एंड यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया आपका, ऑन टू भी प्रूफ हो गया, यानी कि फंक्शन क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव हो गया। मान जो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है आपको, fx = x² + 4। इस क्वेश्चन में शो करना है कि आपका जो फंक्शन है वो आपका इनवर्टिबल है। अब जब आपको फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है, तो उस केस के अंदर पहला काम क्या होगा, उसे शो करना है वन वन। तो उस वन वन को शो करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक फंक्शन निकालना होगा एक्स वन, और जब आप एक्स वन का फंक्शन निकालोगे तो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक्स वन का स्क्वेयर प्लस फोर। सेकेंड फंक्शन निकालना है आपको एक्स टू, एक्स टू निकालने के लिए आप जहां भी एक्स वहां पे क्या पुट करोगे, एक्स टू पुट करोगे, तो फंक्शन क्या आएगा आपका, एक्स टू का स्क्वायर प्लस फोर। एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को निकालने के बाद में दोनों टर्म्स को इक्वल रखना है। जब आप इसको इक्वल रखोगे तो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, एक्स वन का स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स टू का स्क्वायर प्लस फोर। फोर से फोर कैंसिल हो गया, टर्म्स आ गया आपकी एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। इसके अंदर सॉल्व करने के लिए इस एक्स टू की हम इधर ले आते हैं, जब इधर लेके आएंगे तो वैल्यूज क्या रहेगी, माइनस में एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मैंने इसको ओपन करके लिखा, वैल्यूज क्या आएगी आपकी, एक्स वन माइनस एक्स टू, और इधर क्या आएगा आपका, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से टर्म्स को लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज क्या रहेगी आपकी, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो। अगर इसे सॉल्व करेंगे वैल्यूज आएगी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और जैसे ही आपकी टर्म्स एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आया, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या आ गया, वन वन आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, एफ इज वन वन। सेकेंड केस के सॉल्व करना है, सेकेंड केस हमें सॉल्व करना है ऑन टू के लिए।
जब आप ऑन टू के लिए करोगे तो उस केस के अंदर फंक्शन को लिया हमने यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एफ एक्स क्या रखना है आपको यहाँ पे, वाई रखना है, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर। यहां से आपको x की वैल्यूज को निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे इस 4 को इधर लेके आते हैं, ये आ गया आपका y माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यूज क्या आएगी यहां से, रूट के अंदर y माइनस फोर। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस x की वैल्यूज को जो भी आएगी आपकी वैल्यूज, इसको किसमें पुट करना है आपको, इस x के अंदर पुट करना है। अब पुट करके चेक करना कि आपकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद में क्या निकल के आती है, राइट। की वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर y माइनस फोर, इस पूरी टर्म का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा प्लस फोर। मैंने इसकी स्क्वेयरिंग को ओपन किया, रूट से हटाया तो वैल्यूज क्या आ गई, y माइनस फोर प्लस फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया, आपकी टर्म्स क्या आ गई y। अगर सॉल्व करने के बाद में आपकी वैल्यूज y आ जाती है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन हो जाएगा आपका ऑन टू। हमने वन वन भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है, यानी कि आपका केस क्या हो जाएगा, इट इज इनवर्टिबल। क्लियर है ये, राइट। आगे क्वेश्चन में अगर आपको बोला होगा कि आपको इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, अगर आपको इसका इनवर्स भी निकालना है तो उस इनवर्स को निकालेंगे कैसे, आपका जो भी फंक्शन आपने गिवन था उसको वाई के इक्वल रखा, जो भी फंक्शन आपको गिवन था उसको आपने y के इक्वल रखा, यहां से आप x की वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यूज क्या आएगी यहां से, y माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यूज क्या रहेगी यहां से, रूट y माइनस फोर। और ये जो वैल्यूज आई है x की, यही होता है आपका इनवर्स, यानी कि f इनवर्स y क्या आ जाएगा आपका, रूट के अंदर y माइनस फोर, और ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ये, तो हमने सीखा इसमें वन वन कैसे निकालना है, ऑन टू कैसे निकालना है। अगर दोनों प्रूव हो जाते हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, और अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसे कैसे निकालते हैं। क्लियर है ये। अगला हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 का फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 9x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स, एंड उसे फाइंड आउट करने से पहले आपको शो करना है इसे इनवर्टिबल। अब कैसे करेंगे इसे शो, इसके लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, इनवर्टिबल शो करने के लिए वन वन शो करना पड़ेगा। और वन वन शो करने के लिए आपको क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी आपको फंक्शन गिवन होता है, पहला काम होता है आपको एफ एक्स वन निकालना। एफ एक्स वन निकालने के लिए जहां भी आपका x है वहां पे आप क्या पुट करते हो, x1 पुट करते हो। सेकंड काम क्या होता है आपका, एफ एक्स टू को फाइंड आउट करना, उसको निकालने के लिए जहां भी आपका x होता है वहां पे आप क्या रखते हो, x2 को रखते हो। दोनों निकाल लिया, अब दोनों को इक्वल रख देते हैं, वैल्यूज क्या आएगी आपकी, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस, मैंने इधर माइनस फाइव से माइनस फाइव को कैंसिल कर दिया, इस पूरी टर्म्स को इधर ले आया, वैल्यूज क्या आएगी, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6 सॉरी माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। इसे करने के बाद में 9 वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, वैल्यूज क्या आएगी आपकी, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस, सिक्स आइटम्स को एक साथ रख लेते हैं, टर्म्स आएगी एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो वैल्यूज क्या आएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सिक्स, ये हो गया आपका एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो। आपने इसमें से एक्स वन माइनस एक्स टू को कॉमन ले लिया, बाकी टर्म्स आ गया आपकी 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इसके अंदर x1 माइनस x2 को इक्वल टू 0 रख दिया, यहां से आ गया आपका x1 इक्वल टू x2, और ये टर्म्स आपकी प्रूव हो गई। बाकी टर्म्स हमें कोई मतलब नहीं है, हमें प्रूफ करना था x1 की टर्म्स इक्वल टू होनी चाहिए x2 के लिए, किसके लिए, 1 1 को प्रूफ करने के लिए, और वो यहां से हमारी प्रूव हो गई, राइट। यानी कि ये हो गया फंक्शन आपका 1 1।
हमारा जो फंक्शन गिवन है इसके अंदर 9x² + 6x - 5, और हमें शो करना है इसको क्या, ऑन टू। तो ऑन टू करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, जहां भी आपका एफ एक्स है उसकी जगह वाई आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x² + 6x - 5 = y। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंपनी द स्क्वेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू, आपने यहाँ से 9 को कॉमन लिया, टर्म्स आएगी आपकी x की स्क्वेयर प्लस 6/9x - 5/9। इस टर्म्स का करने के बाद में मैंने इसको कैंसिल किया, वैल्यूस आई यहाँ पे 2 और इधर क्या आ गया आपका 3। अगला स्टेप क्या होगा, y इज इक्वल टू 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x/3। अगले स्टेप के अंदर x के साथ वाली टर्म्स को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि टर्म्स आएगी 1/3, उसको एक बार प्लस में स्क्वायर और एक बार उसका माइनस में स्क्वायर करते हैं, साथ में क्या आ गया -5/9 एज इट इज। इस 9 को नीचे भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5/9 इज इक्वल टू, ये तीन टर्म्स मिलकर फॉर्मूला बनाएगी आपकी, और फॉर्मूला किसका होगा आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ गया -1/3 का स्क्वायर और -5/9, यानी कि ये हो गया -1/9 और -5/9, यानी कि कितना आ गया -6/9। अगले स्टेप के अंदर इस टर्म्स को इधर भेज देते हैं, y/9 + 6/9 इज इक्वल टू x + 1/3 का होल स्क्वायर। मुझे x की वैल्यूज को निकालना, तो मैंने स्क्वायर को इधर भेज दिया, इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, वैल्यूज क्या रहेगी y + 6/9 इज इक्वल टू x + 1/3। इस 1/3 को भी मैंने इधर भेज दिया, इधर भेजने के बाद क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर y + 6/3 -1/3 इज इक्वल टू x। अब इस x की वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, इस x की वैल्यूज को आप पुट करोगे किसके अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर, और पुट करने के बाद में आप चेक करोगे क्या सॉल्व करने के बाद y आएगा, और अगर y आ गया इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू का होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे, तो मैंने इसकी वैल्यूज को इसके अंदर जब पुट किया तो वैल्यूज आई y/9 इज इक्वल टू, जब x की वैल्यूज को रखते हैं तो आपकी वैल्यूज है आपके अंदर पास रूट के अंदर y + 6/3 -1/3, ये तो आ गई x की वैल्यूज पूरी, साथ में था प्लस का 1/3 और इस पूरे का था होल स्क्वायर, और बाहर था आपका -6/9 जिसकी वैल्यूज किसके इक्वल है 2/3 के। इधर मैंने 1/3 से 1/3 को कैंसिल कर दिया, टर्म्स क्या आएगी यहाँ पे y/9 इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग ओपन करने पे क्या आ जाएगा आपका रूट हट जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका y + 6, 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9 और साथ में आ गया -2/3। मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने वैल्यूज आएगी y + 6 - 6/9, ये कैंसिल हो गया, टर्म्स आ गया आपकी y/9 और इक्वल टू में भी क्या था आपका y/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी कि टर्म सॉल्व करने के बाद क्या आ गई आपकी y आ गई, और जैसे ही सॉल्व करने के बाद y आया इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपका ऑन टू हो गया, राइट। तो 1-1 करने के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो, और ऑन टू करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अंदर कंप्लीट इन द स्क्वेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसे करने के बाद में आपका क्या होगा शो कि ये फंक्शन जो है फंक्शन इज इनवर्टिबल। अब उसका सवाल, उसका अगला जो पॉइंट था वो था कि हमें इनवर्स फाइंड आउट करके देना है, इसलिए आपका फंक्शन था वो था 9x² + 6x - 5। अब जब मुझे इसे सॉल्व करना है तो सेम वैसे ही करना पड़ेगा, और इसके अंदर से x की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो मैंने एफ एक्स को y रखा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x² + 6x - 5, वही सेम स्टेप आपको दोबारा से रिपीट करने जो आपने करे थे इसके अंदर। यहां से आपने क्या करा, 9 को कॉमन ले लिया, तो 9 बाहर आ गया, टर्म्स आ गई x² + 6/9x - 5 = 9x² + 6/9x - 5। अब इसके बाद में 9 को वापस नीचे भेज देते हैं, y/9 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x² + 6/9x - 5। अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, फिर वही कंप्यूटर स्क्वेयर लगाते हैं जैसे अभी लगाया था इसके अंदर, ये आ जाएगी आपकी x² + 2/3x +1/3 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर और साथ में -5, सेम वही स्टेप जो आपने पहले किए थे, ये आ जाएगा आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, पहले आई थी आपकी इसके अंदर वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे 5/9, तो पहले सॉल्व करने पे वैल्यूज क्या आएगी -1/9 और -5/9, यानी कि आ जाएगा -6/9।
इसको इधर भेज देते हैं, जब इधर भेजेंगे तो आपकी टर्म्स आ जाएगी y बाय 9 प्लस 6 बाय 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय 3 का होल स्क्वायर। इधर लाके रूट कर देते हैं, रूट करने पे टर्म्स क्या आएगी, y प्लस 6 अपॉन में 9, 1 बाय 3 को भी इधर भेज देते हैं, इधर हो जाएगा माइनस 1 बाय 3, ये हो जाएगा x, और ये वैल्यूज किसकी होती है, ये होता है आपका एफ इनवर्स y। तो जब भी आपको इनवर्स निकालना होगा इसका मतलब है कि आपको उसके अंदर से एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, और वही स्टेप्स करने जो आपने ऑन टू के अंदर एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए करे थे। क्लियर है? तो ये आ गया आपका इनवर्स जो कि आपको फाइंड आउट करना था, राइट।